स्वागत है आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम आने वाला है, 27 जनवरी को है एसएससी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम पीआरटी के लिए, तो उसमें जो है आईसीटी 15 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, आईसीटी कोई नया नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन, एमएस वर्ड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इन सब के बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यही सब आएगा जो हमने कंप्यूटर में पढ़ा था। अभी हमने जब केवीएस के लिए कंप्यूटर पढ़ा तो उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आईसीटी के लिए वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, और एक और चीज़, ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एसएससी चंडीगढ़ के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बाकी के जो बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं हमारे उनके लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें कंप्यूटर जो आता है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारे पास, आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड टर्मिनल्स, इंट्रा कॉमन टर्मिनोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे सही डेफिनेशन कौन सी है इसमें से। देखिए फर्स्ट है हमारे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये गलत है। आगे देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये भी रॉन्ग है। उसके अलावा देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी काइंड्स, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। इसमें जो सही इन्फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो सही है वो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यूज करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही, किस लिए, स्टोरेज के लिए भी, रिट्रीवल के लिए भी, प्रोसेसिंग के लिए भी, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी काइंड। तो इन सभी चीज़ों के लिए, स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रोसेसिंग, हर एक चीज़ के लिए जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस चीज़ का यूज़ करती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। तो सही वो जो है डेफिनेशन वो है ऑप्शन डी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल, ठीक है, ये बताना कि जो करेक्ट नहीं है इसमें से। ओके, एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो ये है कि कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल। ओके, तो ये जो है इसमें रॉन्ग है, बाकी के तीनों ठीक हैं कि appropriate software is required for processing the data, उसके अलावा computer is capable of processing digital as well as analog signal, सिर्फ digital ही नहीं analog signal को भी process करता है, computer is capable of analyzing both quantitative and qualitative data। Next देखिए, which of the following is correct statement, correct statement इसमें से बतानी कौन सी है, a set of instruction is called a program, ये बिल्कुल correct है, कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर डायग्नोसिंग द डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग ए सब्जेक्ट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वायरस इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, वायरस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड, वायरस इम्प्रूव द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर, ठीक है। तो वायरस देखिए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल वायरस क्या होता है, एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ही होता है। क्या वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं,
इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड. क्या इंटरनेट वायरस को फैलने से रोकता है? नहीं रोकता. ठीक है, इंटरनेट के थ्रू भी जो है हम वायरस भेज सकते हैं. तो आंसर तो ये भी गलत है. उसके अलावा वायरस इंप्रूव द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर. वायरस इंप्रूव नहीं करता है स्पीड को, इनफैक्ट स्लो कर देता है. ठीक है, तो ये भी जो है वो गलत है. तो सिर्फ यही ठीक है कि वायरस इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. अगला देखिए, लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोलिजन्स आर द मेन फंक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, द मोनिटर्स और CPU. ठीक है, तो लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोलिजन्स जो है वो किसके मेन फंक्शंस होते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के फंक्शंस होते हैं वो. ओके, अगला देखिए, सॉरी, इन द हाइपर मीडिया डाटा बेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स, नोड्स, सिग्नल्स या फिर सिंबल्स. तो हाइपर मीडिया डाटा बेस में इंफॉर्मेशन बिट्स जो होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ नोड्स. ठीक है, अगला देखिए, कम्युनिकेशन बैंडविड्थ दैट हैज़ द हाइएस्ट कैपेसिटी एंड इज यूज्ड बाय माइक्रोवेव केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स लाइन इज नोन एज बस विड्थ, हाइपर लिंक, ब्रॉडबैंड या कैरियर वेव. तो इसे बोला जाता है ब्रॉडबैंड. ठीक है, जो माइक्रो कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जो यूज़ की जाती है माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिक्स लाइन द्वारा, उसे कहते हैं हम ब्रॉडबैंड. ठीक है, अगला देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड दैट हैज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रेफर्ड टू एज स्ट्रैप, बैनर, बुलेटिन या ब्रिज लाइन. तो इसे कहते हैं बैनर. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एट इट्स ऑन. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन. कंप्यूटर प्रोसेस इज इंफॉर्मेशन एरर फ्री. कंप्यूटर कैन होल्ड डाटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. ठीक है, तो इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर वो है, एक मिनट, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एट इट्स ऑन. नहीं, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो नहीं है वो है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन. ओके, अगला देखिए, यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंसेस इज कॉल्ड वेब क्ली, वेब हेट, साइबर रैंटिंग या साइबर वेंटिंग. ठीक है, तो इसे बोला जाता है साइबर वेंटिंग. नेक्स्ट देखिए, इन वेब सर्च फाइंडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विद वेरी लिटल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड वेब क्रॉल, पुअर रिकॉल, पुअर वेब रिस्पॉन्स या पुअर प्रिसीजन रेट. तो इसे बोला जाता है पुअर रिकॉल. द कंसेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम फजी लॉजिक, वर्चुअल रियलिटी, वैल्यू एडेड नेटवर्क या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. जो कंसेप्ट है कनेक्ट इंटेलिजेंस का वो कहाँ से आया है? वैल्यू एडेड नेटवर्क से. ठीक है, अगला देखिए, यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट एप्लीकेशन इज कॉल्ड वॉइस नेट, वॉइस पोर्टल, वॉइस लाइन या फिर वॉइस टेलीफोन. तो इसे क्या बोला जाता है? यूज ऑफ ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंसेज इज कॉल्ड वॉइस लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. अगला देखिए, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड वीडियो शिफ्ट, वर्चुअल वीडियो, रियल टाइम वीडियो या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट. ठीक है, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट बोला है यहाँ पे, लुक लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड रियल टाइम वीडियो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लैन स्टैंड्स फॉर लाइव एरिया नेटवर्क, लोकल एंड नेशनल, लोकल एरिया नेटवर्क या लार्ज एरिया नेटवर्क. तो लैन स्टैंड्स करता है लोकल एरिया नेटवर्क पे. ठीक है, इसके अलावा वैन और मैन भी याद रखिए, वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है, किसी स्कूल वगैरह में जब हमें कोई नेटवर्क यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे लैन. ठीक है, जो हमारी लैब्स होती है स्कूल में उसमें यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, किसी बिल्डिंग में यूज़ करना हो तो हम करते हैं मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है, और अगर पूरे देश में यूज़ करना है या पूरे शहर में यूज़ करना है तो क्या यूज़ करते हैं उसके लिए? सॉरी,
किसी बिल्डिंग में यूज़ करना है तो वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है, और किसी शहर में या देश में, पूरे देश में एक ही नेटवर्क यूज़ करना है तो उसके लिए होता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मॉडम इज सॉफ्टवेयर, मॉडम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडम हेल्प्स इन स्टेबिलाइजिंग द वोल्टेज, या मॉडम कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वॉइस वर्सा। देखिए, मॉडम कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, ना ही मॉडम ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ना ही मॉडम जो है हेल्प करता है स्टेबिलाइजिंग द वोल्टेज। ठीक है, मॉडम क्या करता है, कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, या कह लीजिए कि मॉडम कन्वर्ट करता है डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में। ठीक है, मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, यस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड क्विकली प्रोसेस ओनली क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, लेकिन हमने देखिए शुरू में पढ़ा कि कंप्यूटर क्वांटिटेटिव भी लेता है और क्वालिटेटिव भी लेता है, तो दोनों ही लेता है, तो ये भी गलत है। ओके, दोनों ही रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस क्विकली एंड एक्यूरेट ओनली क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब आ गया ओनली क्वालिटेटिव, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि वो क्वांटिटेटिव भी लेता है। अब देखिए आगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव, प्रोसेस एंड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो ये जो है वो कंप्यूटर की सही है डेफिनेशन, तो आंसर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑनलाइन लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एजुसेट, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, ऑनलाइन लर्निंग भी, वेब बेस्ड लर्निंग भी, और लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एजुसेट भी, इन तीनों को ही इंक्लूड करता है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, Which of the following is the appropriate formal of URL of email? जब हम email भेजते हैं तो format क्या भेजते हैं, डालते हैं उसमें URL में, तो देखिए www.mail.com या www.mail.com या www@mail.com या www@mail.com। ठीक है, तो हम क्या डालते हैं, www@mail.com। ओके, आगे देखिए, ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर ईच करेक्टर हैज एन ASCII वैल्यू विच स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ASCII पूछा है कि ASCII स्टैंड फॉर, तो ASCII क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजंस। ठीक है, यानी कि CPU में हमने पार्ट पढ़े हैं CU, ALU, तो कौन सा पार्ट है जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस वगैरह, तो ये होती है ALU में, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब देखिए ये तीनों ही अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट नहीं है, तो ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला देखिए, DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच, डिजिट्स पर इंच, डॉट्स पिक्सल इंच या डायग्राम पर इंच, तो DPI स्टैंड्स होता है डॉट्स पर इंच। अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट ए डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट, ग्राफिक, हेडलाइन एंड फोटोग्राफ इज इन्वॉल्व्ड इन डेस्कटॉप प्रिंटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटर प्रिंटिंग या डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो इसे बोला जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज डोजी डाटा एक्सचेंज, डायनामिक डाटा एक्सचेंज, डायनामिक डिस्क एक्सचेंज या डॉगमैटिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज, इसे क्या बोला जाता है, डायनामिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, www रिप्रेजेंट वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब या हु व्हाट एंड वेयर, तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला है, CD-ROM stands for Compact Disc Read-Only Memory, Compact Disc Read-Over Memory, Computer Disc Read-Only Memory या Computer Disc Read-Over Memory, तो CD-ROM stands for Compact Disc Read-Only Memory. The brain of a computer which keeps peripherals under its control is called,
सेंट्रल पावर यूनिट, कॉमन पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं जिसको हम, और जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, यही कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारी क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये जिन्हें ये अपने कंट्रोल में रखता है, तो वो क्या, उसे क्या कहा जाता है, यानी कि जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, सीपीयू होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, डाटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडियम नोन एज, ठीक है, बैकअप के लिए जो हम डाटा स्टोर करते हैं, बैकअप रखने के लिए, उसे क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कंप्यूटर डाटा रीराइटेबल, तो उसे बोला जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी कि CDRW। ठीक है, रैम मीन्स रिजिड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी, तो रैम होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो ये थे ICT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में और 30 क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।